दिल्ली से चले हुए अपने चलते 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 जो है ना, फिर जगह जगह बैठते गए, रिवाल्सों में स्नान किया। यहाँ पे काफी जगह घूमने के लिए, जैसे चुंजवाला ऋषि का टेम्पल हो गया, यहाँ शैटीना का हो गया। ऐसा प्रदेश जो पश्चिमी हिमालय में स्थित 11 पहाड़ी राज्यों में से एक है, जो अपनी असीम सुंदरता और दार्शनिक स्थलों के लिए जाना जाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पूरन, स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन, एक और नए सफ़र में। मेरा सफ़र मुझे ले आया है हिमाचल प्रदेश की इन हसीन वादियों में। कैसा लग रहा है सर खाना? फ्रूट है ना, सुबह सुबह जरूरी है खाना। घर का खाना हो तो बात भी अलग है। हमने अपना सफर शुरू किया था देहरादून से। देहरादून से सिरमौर, सोलन, बिलासपुर होते हुए हम पहुंचे थे मंडी। मंडी डिस्ट्रिक्ट में अभी हम जहां पे हैं वो है पंडो डैम। पंडो डैम ब्यास रिवर पर बना हुआ है। ब्यास रिवर जो हिमाचल की, मध्य हिमाचल की एक बड़ी नदी है, जो ब्यास कुंड से रोहतांगला होते हुए लगभग 470 किलोमीटर की दूरी तय करके पंजाब में सतलज में मिलती है। हिमाचल प्रदेश की रोड्स की बात करें तो रोड्स यहाँ पे बेहतरीन रोड्स हैं। कहीं कहीं पे हमें 4 लेन रोड दिखी और मोस्टली नेशनल हाईवे यहाँ पे 2 लेन के हैं। और अभी जो ठीक सामने आप रोड देख रहे हैं, ये 4 लेन की रोड बन रही है जो मंडी मनाली को जोड़ता है, यानी कि ये पूरा रोहतांग पास जो अटल टनल है वहाँ तक जुड़ेगा। और काम अभी युद्ध स्तर पर जारी है, कई जगह पे यहाँ पे टनल्स बन रहे हैं। और अगर इस वैली की बात करूँ तो ये रोड पूरा ब्यास रिवर के होते हुए मनाली तक आपको दिखेगी। सर मेरा गांव तांदी है, टाकाना सरोवर है। तो सर ये पंडो में हमारा कारोबार चलता है, इधर ही से मैं टैक्सी चलाता हूँ, टैक्सी ड्राइवर हूँ, 2 टैक्सी है मेरे पास। इसी से मतलब इधर उधर की अपने परिवार को भी पालता हूँ, बढ़िया हुई है। बाकी यहाँ बखली बगलामुखी माता का टेंपल है, बहुत मशहूर है। यहाँ सामने नेचर पार्क है, उधर बन रहा है अभी, बहुत बढ़िया अभी हो रहा है। रज्जू मार्ग लग रहा है उधर कैंची से मंदिर के लिए, उधर के लिए बहुत मतलब इलाका है। अपने सफ़र में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जानकारियाँ और यहाँ के पहाड़ के नज़ारे आपको दिखाते रह रहे हैं। अभी तक हम नीचे वैली में चल रहे थे, ब्यास रिवर के साथ साथ हमने कई रिवर और कई सारी घाटियाँ पार की। अब हम धीरे धीरे जो हाई एल्टीट्यूड पे ऊपर पहाड़ों की ओर आ रहे हैं, जहाँ हमें अब देवदार और बर्फीले पहाड़ दिखने चालू हो गए हैं। तारा गुड़ी देना पटू शिरे दीना तबे तो धाटू तारा गुड़ी देना पटू गले देना तबे तो झुरी चंद्र हारा
उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के बाद अब हम आपको दिखाने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियाँ। और अभी मैं लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पे हूँ और मेरे ठीक पीछे है कुल्लू वैली। शोबली जुरते तू शोबली बसी लोड़ी मारे गए। हम इस समय मंडी डिस्ट्रिक्ट में हैं और जब हमने देहरादून से सफर किया था तो पोंटा सिरमौर बिलासपुर होते हुए मंडी पहुंचे थे। मंडी बिल्कुल सेंटर पॉइंट है पूरे हिमाचल का, इसीलिए यहाँ पर जो बड़े हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है, IIT यहाँ पर मंडी है, तो व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र है ये। और शिमला में चूंकि बहुत विस्तार नहीं हो सकता था तो व्यापारिक गतिविधियाँ भी मंडी की तरफ शिफ्ट होती गई। अगर आप थाची आना चाहते हैं तो आराम से आ सकते हैं, आपको रोडवेज की बस भी मिलेगी, जो ये बस है रोडवेज हिमाचल रोडवेज की, और आपको प्राइवेट गाड़ियां भी मिलेंगी। ऐसा उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलता है, रोडवेज की बसें बहुत कम चलती हैं। और यही कारण है कि हिमाचल में जो टूरिज्म है वो जो अनसीन या अनडिस्कवर्ड इलाके हैं वहाँ भी टूरिस्ट पहुँच जाता है। तो अगर आप दिल्ली से चलना चाहते हैं कुल मंडी तक पहुँचे और मंडी से रोडवेज की गाड़ी में या प्राइवेट गाड़ी में बैठ के थाची पहुँच सकते हैं। शीरे दीना तबे धाटू तारा गुड़ी देना पटू, शीरे दीना तबे धाटू तारा गुड़ी देना पटू गोले देना तबे झूरी। जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं या नई वैली में जाते हैं तो एक मन में अलग ही सा उमंग रहता है कि वो किस तरह इसकी वैली होगी। जब हम कल शाम इधर आ रहे थे तो यहाँ उस समय बर्फबारी हो रही थी। तो अभी हम हैं थाची में, थाची एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ पे आपको स्कूल मिल जाएंगे, दुकान्स मिल जाएंगे, होम स्टे मिल जाएंगे, तो एक कह सकते हैं कि एक तरह का ऑफबीट डेस्टिनेशन है। यूँ तो जो महानगरों से पूरा ट्रैफिक जो है वो कुल्लू और मनाली वो सोलंग वैली की तरफ को जाता है, लेकिन अगर आप प्राकृतिक खूबसूरती देखें, अगर आप हिमाचल प्रदेश को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसे डीपली जानना चाहते हैं एज अ टूरिस्ट नहीं एज अ ट्रैवलर, तो आप थाची ज़रूर आएँ। थाची लगभग समुद्र तल से 2240 मीटर की ऊंचाई पर है। खूबसूरत देवदार के जंगलों के बीच ये टाउन अपने आप में नायाब, और अगर मैं कहूँ तो इसे वैली ऑफ गॉड्स कह सकते हैं। ओ जुरते तू शोबली, जुरते तू शोबली बसी लोड़ी मारे गरावा। थाची हमारा हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये मंडी से अप्रॉक्स आपका 100-120 तक का किलोमीटर तक का रास्ता है। ये बाया आपके थ्लॉट से ऊपर हमारे को शॉर्टकट रास्ता आता है, वहाँ से लेके यहाँ थाची का डिस्टेंस 16-18 किलोमीटर है। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ की पॉपुलेशन अप्रॉक्स रख दो आप 5-6 हज़ार तक की है। देवदार के यहाँ पे बहुत सारे पेड़ों के बीच में जो बिट्ठू नारायण जी का मंदिर है, काफ़ी अट्रैक्टिव और खूबसूरत जगह है। यहाँ पे काफ़ी जगह घूमने के लिए, जैसे चुंजवाला ऋषि का टेंपल हो गया, यहाँ शैटीना का हो गया, हिडिंबा माता का टेंपल है, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे टेंपल है, घूमने फिरने के लिए बहुत सारी जगह है। तो सुने तारा लाड़िए उतामिए उतामिए तेरे लगा दोंदेरा चावा, तू सुने तारा लाड़िए तू सुने तारा लाड़िए उतामिए उतामिए तेरे लगा दोंदेरा चावा, तू सुने तारा लाड़िए। उत्तराखंड की तरह हिमाचल भी देवी देवताओं का वास का स्थान है, तो इसे देवी देवताओं की भूमि के नाम से भी जानते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यहाँ पे कई सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं। अभी हम थाची के त्रिलोकीनाथ, यानी कि जिसे लोकल भाषा में
ये लोग बिट्टू नारायण के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कहते हैं कि बिट्टू नारायण इंद्रप्रस्थ दिल्ली से चले थे और ये कई पड़ावों पे रुकते हुए आए, तो जिन जिन पड़ावों पे ये रुकते हुए आए तो वहाँ पे कई सारे मंदिर बनाए गए हैं। हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि बुजुर्गों ने बोला हुआ कि पहले जो है ना रिप्ते लोग जो है ना एक जगह ठिकाना नहीं था, दिल्ली से चले हुए अपने चलते 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 जो है ना फिर जगह जगह बैठते गए, रिवाल्सों में स्नान किया, इन्होंने बल में भी है, त्रिमणी में इनका स्थान है, जाते जाते फिर वो अपने बड़ा कहता रास्ते में से आते हुए इनको शक्तिम रोड चले गए, कुल्लू वैली में पड़ता है वो शक्तिम रोड, शक्तिम रोड से होते हुए फिर अपने इसके स्थान बने हुए, बल्कि 10-12 साल के बाद हमारे शक्तिम रोड भी जाता है, देवता जो है ना वहाँ असली स्थान वहाँ है, वहाँ सब देवताओं का स्थान है जहाँ शक्तिम रोड में। रक्षाबंधन जो होती है ना उसके 4 दिन पहले होम होता है यहाँ, ये हर साल होता है 14 अप्रैल को, आप लोगों ने यहाँ आना 14 अप्रैल को जो है ना इसका पूरा मतलब रामायण का ही समझो सारा, लंका पर चढ़ाई करनी है सब कुछ, वही चढ़ाई जो है ना लंका की होती सारी, यहाँ लंका के जो जितना भी मतलब हनुमान वगैरह सब कुछ जितनी भी वो सारी ये हो जाती है ना वो लंका की चढ़ाई होती है इसमें। सर ये तो काफ़ी 100-200 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, हमारे दादा परदादा ने बनाया। जब आप लोग मंदिर बनाते हैं हाँ जी, तो कैसे बनता है ये मंदिर? मंदिर सर पहले जैसे लकड़ी लाते हैं जंगल से काट के और फिर रंदाई करते हैं, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं इनको जैसे एक लकड़ को दूसरे लकड़ में जॉइंट देना है तो उसमें कील का जॉइंट नहीं लगेगा, उसमें लकड़ी का ही जॉइंट लगेगा सर, इस तरह से मंदिर बना जाता है। अब बीच में पत्थर भी लगते हैं सर उसमें, और एक काम हम करते हैं सर निकासी भी होती है, और उसके बाद निकासी भी करते हैं सर हम। जब हमने अपना सफ़र शुरू किया था तो हम कई सारी घाटी नदियों से होते हुए थाची पहुंचे थे, और यहाँ सेव के बगीचे और देवदार के जो जंगल के बीच से होते हुए जब हम यहाँ पहुंचे तो उसका एक जो खुशी थी वो अलग ही थी। तो ये पूरा सफ़र आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मुझे यानी पूरन सिंह को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।